तो देखिए बच्चों, आज हम हार्मोनिक मीन के बारे में जानेंगे और ये स्टैट का टॉपिक है। तो अगर आप स्टैट की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कुछ वीडियोस इस चैनल पर हैं, कुछ वीडियोस जो हैं दूसरे चैनल पर डाल रखी हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। जो लिंक जो है आपका डिस्क्रिप्शन के अंदर है, तो आप उस चैनल पर जाके आप जो स्टैट की वीडियोज़ हैं उनको भी देखें। तो देखेंगे हार्मोनिक मीन क्या है। तो अर्थमेटिकली मीन की रेसिप्रोकल वैल्यू को हम हार्मोनिक मीन कह सकते हैं। मतलब अर्थमेटिकली मीन जैसे निकाला जाता है, वैसे ही उनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ को लेकर हार्मोनिक मीन को भी फाइंड आउट किया जाता है। अब देखेंगे ज़रा, जो आपका अर्थमेटिकली मीन जो है सबसे बड़ा होता है, ज्योमेट्रिकली मीन उससे छोटा होगा और हार्मोनिक मीन सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल वैल्यूज़ को लेकर फाइंड आउट किया गया है। तो इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर हमें हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है तो हमारे पास दो फार्मूले होंगे। ये फार्मूला जब होगा जब आपको फ्रीक्वेंसीज़ नहीं दे रखी होंगी, और जब फ्रीक्वेंसीज़ दे रखी हैं तो फिर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सपोज़ डैट अगर हमें दो नंबर का हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है, एक नंबर है सपोज़ डैट 2 एंड अदर नंबर इज़ 4। तो हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपको ये पहले फाइंड आउट करना है कि नंबर कितने हैं। तो दो नंबर है हमारे पास, 1 एंड 2। तो n की वैल्यू 2 है, 2 लिख दीजिए और फिर इनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ को लिख देंगे, 1/2 + 1/4। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू, तो 2 एलसीएम होगा 4, आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1, 4 जो ऊपर मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4 × 8/3। तो इन दोनों का हार्मोनिक मीन जो है इन दो नंबरों का 8/3 होगा। लेकिन जब हमें बहुत सारे नंबरों का हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है तो उसमें भी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर क्योंकि बहुत सारे नंबरों का हम एलसीएम कैसे ले पाएंगे, हम पहले से ही उनकी रेसिप्रोकल वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, और उससे पहले ज़रा हमें एक ये भी देख लेना है कि ज्योमेट्रिकली मीन इन तीनों के बीच में ये रिलेशनशिप है कि ज्योमेट्रिकली मीन का स्क्वायर जो है हार्मोनिक मीन इनटू अर्थमेटिकली मीन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। सपोज डैट ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जब आपको अर्थमेटिकली मीन गिवन होगा, हार्मोनिक मीन दे रखा है, तो आपको ज्योमेट्रिकली मीन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ज्योमेट्रिकली मीन को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है इसका स्क्वायर जो है इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर है, जबकि अर्थमेटिकली मीन की वैल्यू 15 है, ज्योमेट्रिकली हार्मोनिक मीन की वैल्यू जो है आपकी कितनी 9.6 है। आप अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 144 होगा, और आपको ज्योमेट्रिकली मीन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए जब जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट में लिखा जाना है ये नंबर, तो ज्योमेट्रिकली मीन की वैल्यू आपकी कितनी होगी, 12 हो जाएगी। तो ऐसे आप ज्योमेट्रिकली मीन को फाइंड आउट करेंगे। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमारे पास ये नंबर है 5, 7, 10, 13, 15, 20, 25 एंड 28। इनका हम हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करेंगे। तो हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे एक टेबल बना लीजिए, जिसमें आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे 5, 7, 10, 13, 15, 20। तो ये आपके पास x है, और फिर ये है 25, 28। तो यहाँ लिख दीजिए। अब इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे 1/x, इसके रेसिप्रोकल की वैल्यू, इसका मतलब आप 1/5 को डिवाइड करोगे तो 0.2 आ जाएगा। तो आप ऐसे करके इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट पुट अप करोगे, तो देखते हैं कितना होगा ये। तो ज़रा हम यहाँ पे 3 डेसिमल पॉइंटों में ले लेंगे, तो ये होगा आपका 0.200। ऐसे ही हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, 1/7 0.143 होगा, तो लिख दीजिए 0.143। ऐसे ही आप इसको लिखेंगे 0.100। ऐसे ही आप इस 1/13 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे बाय द कैलकुलेटर, तो आप 0.077 आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही 0.067 इसकी वैल्यू मिलेगी, 0.050 इसकी वैल्यू मिलेगी, 0.0
0.040 इसकी वैल्यू मिलेगी, ऐसे ही आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो 0.036 इसकी वैल्यू मिलेगी। तो अगर ये कहा जाए कि आप इसका इन सबको सम इन सबका सम कर दीजिए तो सिग्मा 1/x इसकी वैल्यू जो होगी आपके पास 0.713 होगी। तो अब आप यहाँ पे हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट कर सकते हो। हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए आपको नंबरों को काउंट करना होगा, नंबर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो नंबर जो है वो 8 हैं आपके पास। तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो आप अप्लाई कर दीजिए, n अपॉन सिग्मा 1/x। तो देखिए इट विल बी n की वैल्यू जो है आपके पास कितना 8 है, 0.713 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इट विल बी 11.22, यही आपका हार्मोनिक मीन होगा। तो नोट कर लेंगे, फिर अगला क्वेश्चन एक बार हम इसके बाद समझते हैं। तो देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, हमें हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप बच्चों यहाँ पे इसकी मिड वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, मिड वैल्यू मतलब एक्स। तो इसके बीच में जो है आपका कितना 5 होगा, और इन दोनों के मतलब इन दोनों का सम करो, डिवाइड बाई 2 कीजिए, इन दोनों का सम करोगे 30, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 होगा, या डायरेक्टली आप इन दोनों के बीच की वैल्यूज़ को सर्च कर लीजिए, 25 इसके बीच में 35 होगा, इसके बीच में 45 होगा। तो ये आपने इनकी मिड वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। हो सकता है कोई क्वेश्चन जिसमें आपको एक्स आई दे रखा हो और फ्रीक्वेंसी दे रखा हो, तो आपका काम आसान हो जाएगा क्योंकि आपको एक्स आई को फाइंड आउट नहीं करना होगा। तो फिर अब आपको फाइंड आउट करना है 1/x। तो 1/x की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप यहाँ पे फिर वही 1/5 करोगे, 1/5 की वैल्यू 0.2 हो जाएगी, तो 0.2 लिख देंगे, और ऐसे फिर आपको इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना होगा। तो अगर आप इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे, या फिर आप एक काम कर सकते हैं डायरेक्टली आप यहाँ पे, क्योंकि आप सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एफ़ इंटू 1/x, इन दोनों की अगर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8/5, और 8/5 को अगर आप डिवाइड करोगे तो इट विल बी 1.60 होगा। और फिर ऐसी आप ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं सारी वैल्यूज़ ऐसे ही लिख देता हूँ, जैसे ये 12/15 होगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.80 होगा, ऐसे ये भी 20/25 होगा, डिवाइड करोगे बाय द कैलकुलेटर तो ये वैल्यू होगी आपके पास 0.17 होगा, 0.09 होगा। तो आप सिग्मा इन सब का सम फाइंड आउट कर लेंगे, सिग्मा एफ इंटू 1/m लिखेंगे, तो 1/x लिखेंगे। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.46 होगा। तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हो, n की वैल्यू आप इनका सबका सम कर लीजिए तो ये 20 होगा, यहाँ गिवन था, हो सकता है किसी क्वेश्चन में ना गिवन हो। तो आप इन सबको फ्रिक्वेंसीज का सम करेंगे, ये आपका n होगा, और आप 3.46 से डिवाइड करेंगे, देन वी गेट 3.46 होगा। तो यही आपका हार्मोनिक मीन होगा, सॉरी आप अगर डिवाइड करोगे तो 14.45 होगा। तो बच्चों सॉरी ये 20 नहीं, ये 50 था, n की वैल्यू कितनी थी आपके पास 50 थी, जब आप डिवाइड करोगे तो 14.45 होगा, यही आपका हार्मोनिक मीन होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।